दोस्तों, मल्टीपल हैंड का वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो है और मैंने छत पे जाके इस तरह से शूट किया। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं मोबाइल लगा के यहाँ गया और इस तरह से आपको वीडियो शूट करना है। देखिए, हाथ को ऐसे रख के ऐसे ऊपर करना है और फिर नीचे रखना है, ऐसे यहाँ तक ऐसे शूट करना है। और तो शूट करने के बाद यहाँ पर इस पोजिशन में जाकर आपके वीडियो को कट करना है। जैसे मैं यहाँ पर हाथ उठाने वाला हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर यहाँ से वीडियो को कट कर देना है लेफ़्ट साइड में, ठीक है, लेफ़्ट ट्रिम। और जहाँ पर वापस आ रहा है यहाँ तक फिर राइट ट्रिम। तो हमें ये 4 सेकंड का वीडियो चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और यहाँ पर एक कट लगाना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, 7-8 कट हमें लगाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर एक और कट लगा देते हैं, सॉरी ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा कट इधर ऐसे लगेगा, थोड़ा सा ऐसे गया और थोड़ा सा और गया, तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। हमने यहाँ पर एक कट लगाया है और थोड़ा सा और जाके और एक कट लगाना है। मान लीजिए यहाँ पर एक कट लगा देते हैं और थोड़ा सा और एक जगह कट लगा देंगे, थोड़ा सा और जाके, जितना कम कट लगेगा उतना अच्छा। मतलब एक एक फ्रेम हमें लेना है। यहाँ पर कट लगा दिया, यहाँ पर एक और कट लगा दिया, यहाँ पर एक और कट लगा दिया और यहाँ पर भी एक और कट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कट हैं, तो हमें यहाँ पर एक और कट लगा देना चाहिए इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैं। इसके बीच में अगर कट लग जाए तो अच्छा है, यहाँ पर नहीं लगेगा किसी और एक से बीच में। यहाँ पर एक कट देखेंगे, लग जाए तो अच्छा है। हाँ, यहाँ पर एक कट लग सकता है, तो यहाँ एक कट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये 7ों का फ्रेम का फ़ोटो लेना, जैसे ये पहले वाले में आए तो यहाँ पर आने के बाद ये 3 डॉट पर ऑप्शन, जब हम अलग से जाएंगे तो यहाँ पर एक ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से कैप्चर सेव करना है। पहले ऑप्शन कैप्चर एंड सेव, फिर दूसरे वाले में आना है, नेक्स्ट वाले में आना है, लास्ट पोजीशन पे जाना है। इस पोजीशन पे भी एक ले लेते हैं, ठीक है, एक और इसी क्लिप का एक लास्ट पोजीशन का भी एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ले लेते हैं, इस तरह से सबका ले लेंगे, ठीक है, सबका ले लेंगे। तो जब सबका ले लेंगे आप, ठीक है, और लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिजर्व पे जाना है, ठीक है। तो चलिए रिजर्व पे चलते हैं और बताते हैं वहाँ पर जाके क्या करना है। दोस्तों, इरेजर पे आने के बाद आपको लोड फोटो में जाना है। ये बैकग्राउंड इरेजर नाम है इस एप्लीकेशन का, आपको फ्री में मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। और यहाँ पर जितने आपने फ़ोटोज़ यहाँ पर लिए, फ्रेम लिए, वो सब यहाँ पर दिखेगा आपको। मैंने 8, 9, 10, 11, 12 लिए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वाला जैसे मैंने लिया है सबको उसी तरह से करना है। जैसे मैंने इसको, मैं क्या करूँगा, अब मैं सब कुछ हटा के खाली हाथ का ऑप्शन को रखूँगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ये सब डिलीट कर देना है, हटा देना है, सबको इरेज कर लेना है, सिर्फ हाथ रहेगा। ये 8, 10, 12 जितने फ़ोटो सब में ऐसे करना है, करने के बाद ही होगा, ठीक है। तो आपको पूरा दिखा देते हैं और सारा कुछ करके वीडियो को बंद करके, जब हो जाएगा तब मैं फिर चला दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं, इस हाथ का फ़ोटो इस तरह से आपको करना है। हर एक फ्रेम का फ़ोटो जितना आपने लिया है सबको इस तरह से करना है, ठीक है। सबको करने के बाद कैनम स्टोर जाके बताते हैं क्या करना। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे फ़ोटोज़ जो हमने एडिट किया है अभी, इस तरह से आपको करना है। अलग अलग पोजीशन में इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। तो 8-10 लिया है, तो चलिए काइन मास्टर में चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से एडिट आगे किया जाए। तो यहाँ पर जो हमने लिया था वो इस पोजीशन में था, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन का जो फ़ोटो हमने लिया था वहाँ पर एक लेयर लगाना है उस फोटो का। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो वाला लेयर, ये वाला, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो इसको एडजस्टमेंट करके उसी पोजीशन में आपको थोड़ा सा मेहनत है,
रखना है। थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, इस तरह से रखना है, ठीक है। रखने के बाद ये जो है ये एंड तक जाएगा, ठीक है, एंड तक चला गया वो वहाँ से। अब दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दूसरा जो हमने लिया था, ये वाला भी यहाँ पर उसका जो इमेज एडिट किया है आपको वहाँ से जाके, जहाँ पर अपने इरेजर से एडिट किया है वहाँ से जाके लेना है। तो ये वाला दूसरा वाला है, तो इसको हम ले लेते हैं उसके पोजीशन में। तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस वाले को ये थोड़ा सा आगे आएगा, ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, तो आगे को जा रहा है खिसक के, तो ये थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है तीसरे वाले में जब आप जाएंगे और यहाँ पर जो आप लेयर लेंगे, देखिए उस वाला पोजीशन वाला ये वाला है, ठीक है। ये वाला पोजीशन वाला यहाँ पर आपको ऐसे सेट करना है, एकदम से बराबर ना तब भी चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। तो ये हमने सेट कर दिया और सभी को पूरे एंड तक लेना है। यहाँ पर थोड़ा देखना है सबको एंड तक गया है कि नहीं गया है। तो तीन हमने ले लिया। अब चौथे में जो है, चौथा वाला जो है थोड़ा सा आगे की तरफ का है, तो उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये वाला ले लेना है, ठीक है। और ऐसे सेट कर देना है थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटिंग करके, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और हाँ सेट कर देना है, ठीक है, एंड तक। उसके बाद अगला वाला क्लिप में जाना है, ठीक है। अगले क्लिप में जाके देखना है, हमने जो लिया था वो वाला लेना है, थोड़ा सा ऊपर का ये वाला, ये देख सकते हैं ये वाला ऊपर जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा और छोटा, लगभग आ गया, ठीक है, ये एंड तक जाएगा। नेक्स्ट वाला जो अपने क्लिप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वीडियो क्लिप यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन का जो है वो भी हमें यहाँ से ले लेना है, ये जो सबसे ऊपर वाला ये, ठीक है, उसको भी उसके हिसाब से हमको यहाँ पर सेट कर देना है, छोटा बड़ा करके जैसे भी करके। तो ये काम थोड़ा सा बारीकी से करना है, नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला क्लिप में। नेक्स्ट क्लिप में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक लास्ट वाला जो ऑप्शन है जुड़ा हुआ, वो देखते हैं कौन सा वाला हमारा लास्ट वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लास्ट पोजीशन वाला है। तो यहाँ पर हमने छोटा करके इसको ऐसे सेट कर देना है, ठीक है, इस तरह सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वीडियो को प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये होगा, ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। अब आते समय सबको डिलीट करता हुआ आना है, यानी कि सबको मिटाता हुआ आना है। जब जा रहा है ये तो लग रहा है कि हाँ हाथ ऐसे बनता हुआ चला गया, ठीक है, ऐसे, लेकिन अब वापस जब आएगा तब क्या करना है, चलिए बताते हैं। तो ऑफ से आने का क्या करें, तो एक बार और वीडियो को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाथ गया, अब जहाँ से वापस आएगा, जहाँ से यहाँ पर सेट करना है और बिल्कुल लास्ट वाला लेयर पर हमको जाना है, लास्ट वाला जो हमने लिया था ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ पर इसको कट मारना है, थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि ये आ नहीं रहा, थोड़ा आगे करके जब हाथ आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको कट मार देना है, ठीक है, ये इस ऑप्शन से राइट साइड कट मार देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो हैंड है वीडियो में वो देख कहाँ यहाँ तक आया, यहाँ तक आके ये इस वाले को भी कट मार देना है, मतलब ट्रिम राइट कर देना है। थोड़ा सा और आते हैं, ठीक है, जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये इस वाले को भी
यहाँ से ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना है, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट वाले में आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वीडियो को यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इस तरह से जब नेक्स्ट वाले में आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर कट करके ट्रिम टू प्लेट। इस तरह से हर एक को, हर एक लेयर को लास्ट से लेकर के फर्स्ट तक, जो सबसे लास्ट में लिया था उसे फर्स्ट तक इस तरह से ट्रिम कर देना है। थोड़ा थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाना है और इस तरह से ट्रिम कर देना है। लास्ट में जब हाथ आ जाएगा, एंडिंग एंड तक आ जाएगा, तब इसको भी यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। अब हम वीडियो को आपको दिखा दें प्ले करके, देखिए ये गया, ये फिर वापसी में ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस लास्ट वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ पर ही कट होना चाहिए, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो लो कट कर दिया। अब सही लगेगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं मल्टी हैंड का, ठीक है। एक बार लास्ट में एक बार और दिखा देता हूँ आपको वीडियो को, देखिए इस तरह से गया और इस तरह से वापस आ गया, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए आप शेयर ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव कर लीजिए। मैंने इसको 9:16 रेशियो में नहीं बनाया, 16:9 बनाया है, क्योंकि अब समझाना है तो इस तरह समझाना है। उसका जब वीडियो दोबारा से, जब आप वीडियो को सेव करेंगे, एडिट करेंगे दोबारा से, तब आप 9:16 रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, आप 720 ले लीजिए, एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ही एक्सपोर्ट हो जाएगा।